नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। आज विशेष में बात साधुओं की उस मुहिम की करेंगे जिसने संसद को आईना दिखा दिया। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस मुहिम में। महिला आरक्षण एक ऐसा विषय जिस पर देश के साधु सन्यासियों ने हमारी संसद को आईना दिखाया है। इन साधुओं ने इलाहाबाद यानी प्रयागराज में होने वाले कुंभ में महिला सन्यासियों को एक तिहाई आरक्षण और अन्य अधिकार देकर बराबरी का दर्जा दिलाया है। देश के राजनेताओं को राह साधुओं और सन्यासियों ने दिखाया रास्ता, महिला आरक्षण विधेयक का रास्ता। वोट बैंक की राजनीति में फंसा था विधेयक। जी हाँ, बरसों की कवायद के बावजूद देश की संसद भले ही महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने का फैसला अभी भी ना ले पाई हो, लेकिन इलाहाबाद के एक महाकुंभ शुरू होने से पहले ही साधु संतों के अखाड़ों ने साध्वियों को करीब एक तिहाई आरक्षण और तमाम अधिकार देकर राजनेताओं को आईना दिखाने का काम किया है। देश के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़ा ने न सिर्फ साध्वियों को तमाम अधिकार दिए जाने का ऐलान किया बल्कि उन्हें एक तिहाई जमीन और दूसरी अन्य सुविधाएं देकर एक अनूठी मिसाल भी पेश की है। भगवान शिव के उपासक जूना के पदाधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि अगर शक्ति स्वरूप माँ पार्वती के बिना भगवान शिव का कोई भी अस्तित्व नहीं है तो माँ समान साध्वियों की तमाम बंधनों से आजादी के बिना उनके संत होने का भी कोई मतलब नहीं था। जूना के पदाधिकारियों के मुताबिक इस कुंभ में साध्वी बनने वाली महिलाओं को माई बाड़े की मेहनत ही शिक्षा देंगी और वही नई साध्वियों की भर्ती भी करेंगी। इलाहाबाद के कुंभ मेले में जूना अखाड़ा पहली बार महिला मंडलेश्वर की नियुक्ति करेगा। वो एक नहीं बल्कि 20 से भी अधिक नियुक्तियां होंगी। चलिए देखते हैं इस मुहिम से क्या मिलेगा महिला साध्वियों को। देश के सबसे बड़े जूना अखाड़े ने इलाहाबाद कुंभ में साध्वियों को तमाम अधिकार दिए जाने का ऐलान किया है। जूना अखाड़े ने महिला साध्वियों को अपने बगल माईबाड़ा के नाम से अलग जगह भी मुहैया कराई है। इसके बाद किसी भी अखाड़े की महिला सन्यासिनों ने किसी कुंभ मेले में पहली बार अपनी अलग धर्म ध्वजा फहराई है। इस धर्म ध्वजा के नीचे माईबाड़े की महंत साध्वी बनने वाली महिलाओं को खुद दीक्षा भी देंगी। कुंभ के इतिहास में ऐसा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको कराते हैं कुंभ के मेले से जुड़े तमाम पहलुओं से रूबरू कि आखिर क्या है कुंभ का मेला, कब से हुई इसकी शुरुआत, क्या है इसके पीछे की ऐतिहासिक कथाएं, क्यों एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं लाखों की संख्या में लोग और देश में वो कौन कौन सी जगह है जहां भरता है ये मेला। कुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद के प्रयाग में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर होता है। उज्जैन में छिपरा तीरे पर, नासिक में गोदावरी के तट पर और हरिद्वार में गंगा किनारे किया जाता है। चारों स्थानों पर ये मेला 3 साल के अंतराल पर बारी बारी लगता है, अर्थात एक स्थान विशेष पर इसका आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है। प्राचीन समय में साधु समाज को आपसी विचार विमर्श के लिए ये अंतराल बेहद लंबा लगा था। अंततः 1837 में पहली बार हरिद्वार में 6 साल बाद होने वाले अर्ध कुंभ की शुरुआत की गई। प्रयाग में इसका आयोजन पहली बार 1940 में हुआ। कुंभ मेला किस स्थान पर, किस माह में, किस तिथि से प्रारंभ होता है, इसका निर्णय सूर्य, चंद्रमा और गुरु का विभिन्न राशियों में आवागमन के आधार पर किया जाता है। इन्हीं 3 ग्रहों की स्थिति विशेष के कारण इलाहाबाद में ये मेला माघ यानी जनवरी फरवरी, हरिद्वार में फागुन और चैत्र यानी फरवरी मार्च अप्रैल, उज्जैन में बैसाख यानी मई और नासिक में श्रावण यानी के जुलाई में लगता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन्हीं नगरों में कुंभ का आयोजन क्यों होता है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार देवों और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया।
अनेकों अमूल्य और अतुल्य पदार्थों की प्राप्ति के पश्चात जब अमृत कुंभ प्रकट हुआ तो उस पर अधिकार जमाने के लिए देवों और दानवों में 12 वर्ष तक युद्ध चला। कुंभ की छीन झपट के दौरान अमृत की कुछ बूंदे इन चार स्थलों पर गिरी। इसी अमृत की चाह में असंख्य लोग इन स्थलों की ओर खींचे चले आते। कुंभ के मेले के लिए ये अकेली कथा नहीं जो इन चार स्थलों पर होने वाले कुंभ मेले का इतिहास दर्शाती हो। चलिए अब आपको बताते हैं एक और ऐसी ही पौराणिक कथा के बारे में जिसका इतिहास भी कुंभ के मेले को दर्शाता है। इसके पीछे एक और मान्यता है कि शंकासुर नामक एक राक्षस ने सागर की तलहटी